हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की, विजया लक्ष्मी सुब्बारमण। तो चलिए शुरू करता हूँ इनकी एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम जो इन्होंने 2007 में खेली थी। एरोफ्लोट ओपन मॉस्को का टूर्नामेंट है और इनके सामने थे डेनिस क्रिशमातुलिन। तो D4 के साथ यहाँ डेनिस ने शुरू किया। सुब्बारमण ने यहाँ खेला Nf6, देन हुआ C4, E6, देन Nc3 स्क्वायर पर Bb4 निम्जो इंडियन डिफेंस खेला गया। देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर C5 Dxc5 Bxc5 देन Nf3 स्क्वायर पर क्वीन गई Bb6 स्क्वायर पर और यहाँ डायरेक्टली F2 पॉन पर प्रेशर है। इसका मतलब इंटेंशंस है ईवोन को आगे पुश करवाने की। ऑब्वियस मूव E3 बनता भी है। वेल, क्वीन वापस आई यहाँ से C7 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स, इस गेम में इससे आगे और बढ़ा जाए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि विजया लक्ष्मी की इस गेम के दौरान रेटिंग थी 2459, वहीं डेनिश की रेटिंग थी 2599। तो एग्जैक्टली लगभग 140 पॉइंट्स का फर्क था दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में। वेल, यहाँ B3 व्हाइट का मूव आया, देन हुआ A6, बिशप आया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ B6, बिशप E2, देन यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को लिया B7 स्क्वायर पर, A3, तो बिशप E7 फ्रॉम ब्लैक। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड D6, देन रुक अटैच गोज टू G1, नाइट बी गोज टू D7, देन हुआ G4। इंटेंशंस क्लियर हैं इस जी पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिस्टर्ब करने की, लेकिन नाइट C5 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला। देन अब क्या किया जाए, व्हाट अबाउट दिस बी पॉन पुश, क्योंकि नाइट को इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर होना भी नहीं चाहिए। इस नाइट को वापस जाना चाहिए था, व्हाइट के लिए बेटर होगा, लेकिन Nd2 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना। उनका ज्यादा ध्यान यहाँ इस E4 स्क्वायर पर था, क्योंकि आप इस क्वीन की पोजीशन को देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये बिशप E4 स्क्वायर तक जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है, खैर बिशप है उसके लिए। वेल, H6 देन H4 और इसके बाद यहाँ सुब्बारमन ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, देन हुआ F4, तो किंग गया B8 स्क्वायर पर, किंग B1, देन रुक डी गोज टू G8, बिशप F3, तो G5, F takes G5, H takes G5 और इसके बाद व्हाइट ने अपने एच पॉन को आगे पुश कर दिया। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट सी गोज टू E4, नाइट टेक सी फोर, बिशप टेक सी फोर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन अभी तक भी यहाँ बिशप एक्सचेंज न करके विजय लक्ष्मी ने अपने रुक को लिया H6 स्क्वायर पर। रुक एट जी गोज टू F1, स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेटिंग दिस F1, तो F5, G takes F5, देन E5, और यहाँ पॉन सेक्रीफाइस दिया है। किस लिए दिया है, एक G5 में पासर तो आ ही चुका है, अगर ब्लैक के पास बहुत स्ट्रांग फिलहाल नहीं है वो पासर, लेकिन बिशप टेक्स B7, किंग टेक्स B7, देन नाइट आया E4 स्क्वायर पर और यहाँ से ये नाइट प्रेशर बन रहा है। वेल, देखते हैं G4, देन हुआ B4, नाइट F6, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, की एक्सेप्ट, नाइट टेक्स F6, रुक टेक्स F6, ओके, देन C5, और C5 के बाद काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आती है। पॉन एक्सचेंज किया जा सकता है या पॉन आगे पुश भी हो सकता है। वेल, G3, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन रुक G5, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से व्हाइट को रुक को G1 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। जी पॉन काफी आगे पुश हो चुका है फ्रॉम ब्लैक साइड, लेकिन यहाँ व्हाइट ने रुक को C1 स्क्वायर पर लिया और इसके बाद यहाँ विजय लक्ष्मी ने अपने जी पॉन को आगे पुश करके रुक पर अटैक बनाया। तो क्या लगता है, क्या यहाँ पॉन लिया जा सकता है, क्योंकि पहले तो क्वीन पर अटैक बनता है, लेकिन साथ में आप देखें तो रुक पर अटैक बनता है, क्वीन भी प्रमोट यहाँ ब्लैक की होती है, लेकिन व्हाइट ने यहाँ किया C takes D6, क्वीन पर अटैक बना। यहाँ क्वीन टेक्स D6 हो जाना चाहिए था, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पहले खेला गया G takes F1, प्रमोटिंग टू क्वीन, और यहाँ पर विजयलक्ष्मी ने व्हाइट का ये रुक लिया है। क्वीन D5 चेक, तो किंग यहाँ से मूव हुआ, देन हुआ D takes C7। D takes C7 होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें व्हाइट थ्रेट दे रहा है अपने अगले मूव में इस पॉन को क्वीन प्रमोट करने का, लेकिन ब्लैक के पास एक बहुत ही अच्छा मूव है, Qf5 चेक, किंग यहां से हुआ A1 स्क्वायर पर, और उसके बाद ब्लैक को मौका मिला अपने क्वीन को सही स्क्वायर पर लेकर आने का, ताकि व्हाइट अपनी क्वीन प्रमोट कर ही ना पाए। क्वीन यहां से C8 स्क्वायर पर आई और अब व्हाइट क्या कर सकता है, ए पॉन देन बी पॉन पुश लगता है, लेकिन रुक C4, रुक का C4 स्क्वायर पर आना
इंटेंशंस अभी बहुत हद तक क्लियर नहीं है, लेकिन रुक D6 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन यहां से बैक गई H1 स्क्वायर पर। क्वीन का H1 स्क्वायर पर जाना क्यों, रुक यहां G1 स्क्वायर से जाकर एक चेक देगा, और जिस चेक के बाद क्वीन भी S स्क्वायर पर आ सकती है, जो प्रॉब्लम्स बहुत खड़ी कर सकती है, इसलिए क्वीन का शायद H1 स्क्वायर पर जाना जरूरी भी था। रुक आया D7 स्क्वायर पर टारगेटिंग दिस पॉन, देन हुआ H6, और यहाँ व्हाइट ने भी थ्रेट दिया अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने के। देन रुक टेक C7, देन HS7, और फ्रेंड्स क्या किया जाए, अगर विजयलक्ष्मी यहाँ इस एच पॉन को रोकने के लिए अपनी क्वीन को मूव करती है, तो उन्हें चेक के साथ रुक गंवाना होगा, तो काफी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। रुक टेक C4, ठीक है आप कर लें अपनी क्वीन प्रमोट, डेनिस ने यही किया, H8 इक्वल्स क्वीन, लेकिन ऐसा आखिर विजयलक्ष्मी ने क्यों अलाउ किया, क्योंकि यहाँ उन्हें एक मूव नजर आ रहा था जिसे चलने के बाद यहाँ डेनिस ने रिजाइन कर दिया, वो था रुक G1 चेक का, और यहाँ ये नई नई क्वीन प्रमोट हुई है इसे डिफ्लेक्ट करवाने का, यानी इट मीन्स यहाँ व्हाइट के पास एट लास्ट एक ही क्वीन बचनी है, तो इसी कारण से यहाँ पूरा एक रुक अप होने की वजह से डेनिस ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स बहुत ही गजब की गेम थी, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी सुब्बरमन की। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।